कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिए गए बयान कि हरियाणा सरकार का दिवालिया निकल चुका है और सरकार की परफॉर्मेंस आज की तारीख में जीरो है पर अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने पलटवार करते हुए सुरजेवाला को पढ़ा लिखा अनपढ़ करार दिया। इसके साथ साथ विज ने पलटवार में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई कर्ज में नहीं डूबोया, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उसके अंदर ही है कर्ज, और इनके समय में भी उसके अंदर ही होता था। अब ये तो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इनको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन इन्होंने लोगों को गुमराह करना है। तो जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उसके अंदर ही है। सरकार का हर क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट आ रहा है, दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है और तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, और ये ऐसे बयानबाजी करते रह जाएंगे। दिल्ली में हुई आगजनी के मामले पर भी अनिल विज ने तीखे तेवर दिखाए। विज ने अपने तीखे तेवरों में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की आगजनी का जिम्मेवार ठहराया। नहीं, आम पार्टी का तो सारा करा धरा है ही है, अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उसमें तो आम पार्टी के किया हुआ ही सब कुछ नजर आ रहा है, और आम पार्टी के ऊपर शक की सुई भी है कि इतने दिन वो 2 महीने वहां पर बैठे रहे और केजरीवाल एक बार भी उनके साथ बातचीत करने नहीं गया। पुलिस उसके पास नहीं है, माना बात, लेकिन सारे काम पुलिस से ही तो नहीं होते। पहले जाके वहां पे उनसे बातचीत तो करते, उनको समझाते तो सही, उनको उठाते तो सही। इन्हीं चीजों से ये सारा मामला बड़ा है, और ये अभी जांच होने दीजिए और तथ्य भी सामने आएंगे। आग लगवाना एक बात है और उसके बाद मुआवजा बांटना अलग बात है। मुआवजे से जो पीड़ा लोगों ने सही है उसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अंबाला से जुड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।